बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एनटीएस के रिलेटेड आर्टिकल्स जो कंटिन्यू हैं उसमें लेक्चर नंबर 9 ज्योमेट्री का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सर्कल। सर्कल की इंफॉर्मेशन पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर सर्कल का कनेक्शन आएगा विद स्केयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एट्सेट्रा, पेंटागॉन, जिनके इसका उनके साथ मिक्सचर बनेगा। लेकिन पहले इसकी अपनी इंफॉर्मेशन जितनी की है अवेलेबल, वो कम से कम बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। हिडन डाटा सर्कल का जितना का है। सो इस हवाले से ये लिखी गई सर्कल की डेफिनेशन। हस्बे मामूल ज्योमेट्री की कोई भी फिगर है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है। ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया एक फिक्स पॉइंट, उससे जितने भी पॉइंट बराबर फासले पर आएंगे वो एक सर्कल बनाएंगे। इस फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर बोलते हैं और इस डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये इस साइड को भी होगा, इस साइड को भी होगा, सो दैट इज रेडियस। जब रेडियस को डबल करेंगे तो जो लाइन बनती है वो हमारे पास डायमीटर होती है। ये वाली लाइन सेंटर से लेकर एक साइड तक का डिस्टेंस रेडियस है, दोनों साइड का डिस्टेंस कंप्लीट सेंटर में से गुजरती हुई लाइन ये डायमीटर है। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज आगे आएंगे। हाँ जी, उसके बाद ये कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं जो अंडरस्टूड मौजूद होते हैं, जिनको हमें ऑब्जर्व करना है आइंदा के लिए, ये मेमोराइज करना है, याद करना है फॉर इंफॉर्मेटरी पर्पसेस। इनके जो डाटा बताया नहीं जाता हमें पता ही होना चाहिए कि ये कैसे डील करना है। उसमें एक टेंजेंट है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक जगह से टच करती ही जाए, उसको कट ना करे। जैसा कि ये लिखा गया है, एक पॉइंट है, इसको टच करती ही ये लाइन जा रही है, सो इस लाइन को टेंजेंट कहते हैं। जो सेंटर में से गुजरने वाली लाइन है वो डायमीटर है या रेडियस है। ये रेडियस और टेंजेंट हमेशा उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कॉमन पॉइंट पर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 पर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स की आर्क्स बनती हैं सर्कल में। एक को मेजर आर्क कहते हैं, एक को माइनर आर्क कहते हैं। ये नाम से क्लियर है। आप देखिए, ए बी दो पॉइंट है, जब ए से बी को ज्वाइन करेंगे वाया एफ, ये ब्लैक कलर की आपको एक आर्क नजर आ रही है। ये बजाहर छोटी है लेंथ में, इसलिए इसको माइनर आर्क बोलेंगे, माइनर आर्क, छोटी आर्क। जब हम यहां से ये बड़ा चक्कर लगाएंगे, उसी ए और बी को कनेक्ट करेंगे वाया डी एंड एफ ई, तो ये रेड कलर की आपको एक आर्क नजर आ रही है। ये आर्क कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में बड़ी है, तो इसलिए उसको मेजर आर्क बोलते हैं। ये हो गई मेजर आर्क, ये हो गई माइनर आर्क। लेकिन अगर ये बिल्कुल इस तरह का सेटअप हो जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो देन मेजर आर्क ये जी एच इधर से, इधर से, ये दोनों साइडों से बराबर हो जाएगी। अब मेजर और माइनर आर्क का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, एक जैसी आर्क्स हो जाएगी। तो यहां पर हम कहेंगे ये एंगल 180 का बनता है, ये एंगल आपका 180 का। तो ये जैसे जी ओ एच एंगल 180 का है, और जिस वक्त हम ऐसी सेटअप में, जैसा कि ये है आपके पास सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, इस जगह से कोई लाइन लगाएंगे तो ऐसे एंगल की वैल्यू हमेशा 90 आती है, राइट एंगल। ये आधा सर्कल बनाती है, यानी कि जब लाइन यहां से मेजर गुजरेगी तो आपका आधा सर्कल ऊपर, आधा सर्कल नीचे। यहां पर भी वही पोजीशन है, इस आधे सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। सो इसको यूं बोलते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज 90 या राइट एंगल। जी ओ एच एंगल वो पूरा 180 हो गया,
उसके बाद ये टर्म चल रही थी मेजर और माइनर आर्क, ये इनके ये टॉपिक सीधा करने के बाद अब इनके जो दरमियान एंगल्स मौजूद हैं वो जरा देखिए, एंगल ऑफ मेजर आर्क आर इक्वल, यानी कि इस मेजर आर्क पर जितने भी एंगल बनाए जाएंगे, ये देखिए ए डी बी ए ई बी, इवन कोई और एंगल भी ऐसे बना दें उस मेजर आर्क पर तमाम एंगल्स की वर्थ बराबर होगी, ये देखिए। और जो माइनर आर्क है छोटी, इस पर जितने एंगल बनाएंगे वो आपस में बराबर होंगे, जैसे ए एफ बी, आप कोई और एंगल भी बना दें इस तरह से ऐसे, तो ये भी आपका इसी तरह से फाई ही होगा। मेजर आर्क के एंगल्स आपस में बराबर होंगे, माइनर आर्क के एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। उसके बाद जो सेंट्रल एंगल का इस मेजर आर्क के एंगल से लिंक है, ये वाला एंगल डबल होता है, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा सेंटर पर एंगल 2 थीटा। जो ये वाली इंफॉर्मेशन बताइए, एंगल्स ऑफ मेजर आर्क ऑलवेज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल होता है, जो मेजर आर्क के एंगल होंगे वो उससे आधे बनेंगे, उससे हाफ होंगे। तो इस तरह से ये वाली इंफॉर्मेशन। हाँ जी, यहां से देखिए, एक कार्ड किसको बोलते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड सर्कल पर लाई करे, सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हो, उसको कार्ड बोलते हैं, जैसा कि एन पी एल एम इवन जी एच, जी एच भी एक कार्ड है, लेकिन जी एच वाली कार्ड सेंटर में से गुजर रही है, ये सबसे लेंथी कार्ड है, इसको डायामीटर भी बोलते हैं। हाँ जी, हिडन इंफॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट बनाई है, जो कार्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हो, जैसा कि फर्ज करें ये लेंथ 3 है और ये लेंथ भी 3 है, सर्कल के सेंटर से अगर कोई कार्ड सेम लेंथ पर मौजूद हो तो फिर इन कार्ड्स को कंग्रेंट कार्ड्स कहते हैं, और लेंथ में ये कार्ड्स भी आपस में बराबर होती हैं। इनके ये सर्कल में मौजूद हिडन इंफॉर्मेशन का इशू है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस वक्त हमें इन बातों का आइडिया नहीं होता, तो देन हम वहां पे एंट्री टेस्ट में एनटीएस में ब्लंडर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन का अंदाजा ही नहीं होता। सो ये कंग्रेंट कार्ड्स के हवाले से, कार्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल कार्ड कंग्रेंट कार्ड्स, जैसा कि एल एम और एन पी, ये दोनों कंग्रेंट हैं। हाँ जी, उससे भी स्पेशल इंफॉर्मेशन देखिए, एक परपेंडिकुलर ड्राफ्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से सर्कल के डायामीटर पर परपेंडिकुलर अगर ड्राफ्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस डायामीटर के दो हिस्से कर देता है, ए एम एम क्यू, जो दो हिस्से बनते हैं, ये परपेंडिकुलर की लेंथ उन दोनों हिस्सों का मीन प्रोपोर्शनल होती है, ये मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला, उन दोनों का हिस्सों का प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट, ये एक क्वेश्चन डिस्कस करके दिखाया गया है इस मीन प्रोपोर्शन के हवाले से, कि अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्राफ्ट किया गया उसकी लेंथ पी एम चाहिए, वो इस डायामीटर को डिवाइड करती है इन दी रेशियो ऑफ 9:4, इधर 9 इधर 4, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ बता दें, रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगी इन दोनों 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मींस ज्योमेट्रिक मीन या 9 × 4 उनका प्रोडक्ट और उनका स्क्वायर रूट। तो इस हवाले से ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की गई है जो सर्कल में हिडन है और बच्चे को इसका आइडिया होना चाहिए। अब रह गया इशू इनके सर्कमफ्रेंस, इनके एरियाज, इनका मिक्सचर दूसरी डायग्राम्स के साथ, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आ रहे हैं, तो इस वक्त तक की इंफॉर्मेशन ये आपने मेमोराइज करनी है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेज। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।